वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है UPPSC मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जो कि UKPSC, BPSC, UPPSC, UPSS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 
आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और साथ ही फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज गवर्नर वर्क्स एज द एजेंट ऑफ द सेंटर, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ द पोस्ट। राज्यपाल किस प्रकार केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और पद की तटस्थता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं, हमने ऐसा क्वेश्चन 43 भी किया था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम वैसा ही रख सकते हैं, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं। मेन बॉडी में आपको दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि कैसे ये एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरा हम क्या स्टेप्स लें कि इनकी पोस्ट की जो तटस्थता है वो मेंटेन की जा सके। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और ये नाम मात्र की मुखिया होते हैं, यानी कि नॉमिनल पावर्स होती हैं इनके पास, कोई भी रियल पावर्स नहीं होती हैं। उसके बाद क्या देखते हैं हम, फिर लिखा हुआ है गवर्नर जो है ये एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत अब हम पॉइंट्स लिखेंगे। पहला क्या हो गया है, पहला पॉइंट हो गया है मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। तो जो गवर्नर है इनके पास पावर है कि ये एडवाइस दे प्रेसिडेंट को कि वो प्रोक्लेम करे एमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की कंडीशन में, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को लागू करे कुल मिलाकर। तो ये जो पावर होती है इसको कई बार गलत तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और जो सेंटर है वो डिसमिस कर देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को जो कि ऑपोजिशन के द्वारा रूल की जाती है। तो ये इस तरह हमें दिखाई देता है कि ये सेंटर के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट। कई बार गवर्नर जो है ये रिजर्व कर देते हैं बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और सेंटर जो है वो एक्सरसाइज करता है अपनी पावर और डिले कर देता है इन बिल्स को, जिससे कि जो स्टेट कानून बनाना चाहता है वो नहीं बन पाता है। तो जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकारें होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ऐसा हमें दिखाई देता है। और कैसे एजेंट के रूप में कार्य करता है, वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर कई बार अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जो हैं उनको भी शो कर देते हैं, जिससे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। पार्टिसन रोल इन हंग असेंबलीज। अब हंग असेंबली किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो भी हमको क्या दिखाई देता है, इनका पक्षपातपूर्ण इनका रोल हमको दिखाई देता है, और इनका जो डिस्क्रिशन है उसको मिसयूज़ किया जाता है, मिसयूज़ होता है वो सेंटर के फेवर में। तो इस तरह से भी इनको सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में कहा जा सकता है। उसके बाद गवर्नर चेंज हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है सेंटर में, वैसे ही स्टेट्स में गवर्नर्स को हटा दिया जाता है। देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी जो पिछला वाला अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी डिस्कस किए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कि इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि सेंटर के एजेंट की बात की गई है तो सेंटर के एजेंट वो कैसे होंगे गवर्नर, तो हमें उससे संबंधित पॉइंट्स बताने हैं। और सेंटर का एजेंट होना पॉजिटिव भी है और एक तरह से नेगेटिव भी है, क्योंकि एक न्यूट्रल पोस्ट होनी चाहिए, ना कि किसी की तरफ इंक्लाइंड। तो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जो होती है इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एंड फॉलोइंग स्टेप्स कुड बी टेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द पोस्ट। यानी कि निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि पद की तटस्थता जो है वो बनी रहे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जो गवर्नर की पोस्ट है ये रिजर्व रहनी चाहिए नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटीज के लिए, यानी कि किसके लिए आरक्षित होनी चाहिए, जो कि गैर राजनीतिक लोग हों, राजनीति से संलिप्त लोगों को इस पोस्ट पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था सरकारी और पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि प्रोटेक्ट हो सके इंटरेस्ट स्टेट्स के, और जो मिसयूज़ कर लिया जाता है कई बार
सरकार के द्वारा गवर्नर के माध्यम से वो भी बंद किया जा सके, राइट? और क्या हो सकता है? और हम क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अनुशंसा के पश्चात एक ऐसे राष्ट्रीय पैनल के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए जिसमें सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, नागरिक समाज और न्यायपालिका शामिल हो। यानी कि अपॉइंटमेंट जो हो वो हमें पैनल के माध्यम से करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा पैनल क्रिएट करेंगे जिसमें रूलिंग पार्टी भी हो, अपोजिशन भी हो, सिविल सोसाइटीज भी हो और जुडिशरी का कंसल्टेशन भी हो, सीएम इन सबसे मिलकर कंसल्ट करके अगर अपॉइंट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा पोस्ट है वो काफ़ी न्यूट्रल हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपने एक ऐसे पैनल के बारे में बता दिया जिससे हमें सलाह लेकर गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए ताकि न्यूट्रलिटी सुनिश्चित हो सके। ये हमने रिकमेंडेशंस दे दी। अब हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है? हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र के सफल संचालन के दृष्टिकोण से राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो गवर्नर का रोल है ये क्रूशियल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए, और इम्पार्शियलिटी जो है इसको इंश्योर किया जाना चाहिए ताकि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। तो इस तरह से इसका हमारा ये कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।